फैसल भी थोड़ा सा इस एरिया के बारे में बताएं कि ये कौन सा ये मंदवाल है मोजा मंदवाल है मोजा मंदवाल है साइडों से बस खूबसूरत करना है लेक अपनी नेचुरल पोजीशन में बिल्कुल और ये ऑलरेडी ये नेचुरल है मतलब इसको बनाया नहीं है किसी ने ये नेचुरल है अच्छा ये वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है आप लोगों को वेदर बड़ा अच्छा है कराची वाले तो वैसे ही जब इस्लामाबाद आते हैं तो बोलते हैं कुछ दिन हमें बड़ा सुकून मिल गया और इसके बाद ये जो चारों तरफ आप ये कैमरा दिखाएं जरा चारों तरफ पहाड़ मुझे दिख रहे हैं चारों तरफ सराउंडिंग जो है वो पहाड़ों की सराउंडिंग है इस पहाड़ के नीचे मोटरवे इस पहाड़ के पीछे एयरपोर्ट है और उन पहाड़ों की तो मुझे नॉलेज नहीं है कि चक्री रोड है चक्री रोड वाले पहाड़ हैं वो चक्री रोड है मतलब सारे पहाड़ों के बीच में आपका ये प्रोजेक्ट है और मजे की बात यह है कि प्रोजेक्ट भी पूरा पहाड़ों पे ही है और डैम देखा है आपने बिल्कुल ये नजर हम देखते हैं डैम भी बड़ा अच्छा आपका माशाल्लाह मतलब पानी की यहाँ कभी शॉर्टेज ऐसे ही नहीं होनी यहाँ पानी की शॉर्टेज नहीं होनी और इंशाल्लाह अब आपको मैंने अपना तकरीबन जो प्रोजेक्ट है ना इसका 100% एरिया मैंने दिखाया सारा तो नहीं दिखा दिया 100% ठीक है 100% तो अब आप क्या कहते हैं नहीं नहीं मतलब बेस्ट ऑप्शन है जो बंदा यहाँ पे आके विजिट करेगा उसके उसको फिर कोई और चॉइस समझ ही नहीं आएगी उसमें अभी जो आप एंटर हुए ना वो यहाँ से इस रोड से हमारी एक्सेस टू है उसके बाद एक्सेस वन है नेशनल गार्डन के पास है इसको हमने बिल्कुल शिफ्ट कर दिया यहाँ से आप एंटर हुए इस जगह पर आप देखोगे ब्रिज बन रहा है जो अंडर कर सकते हैं ठीक यहाँ से आप लेफ्ट आप ऊपर से घूम के अभी जो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है वो यहाँ पर ठीक है इससे आप नीचे उतरे ये रोड लिंक करिए डायरेक्ट ऑफिस ये ब्रिज की जो कंप्लीशन है ये हमारे इंशाल्लाह अप्रैल के अंदर इसको अप्रैल के अंदर हमारे फंक्शन कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट पर ही है ऑफिस इसके बैक साइड से आएगी बिल्कुल डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट वन का एरिया ऑफिस डिस्ट्रिक्ट है उसके बाद अपोजिट साइड पर डिस्ट्रिक्ट टू का ऑफिस का इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है ठीक है उसके बाद ये भी एग्जीक्यूटिव का एरिया है कुछ इसमें जनरल इंडस्ट्रा भी है ठीक है जो मोटरवे वाली एंट्रेंस है वो थैरिया से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में डेडिकेटेड एंट्रेंस है स्मार्ट मेन एंट्रेंस हमारी यहाँ से ये हमारे तक फ्रंट जो आता है तकरीबन 10 से 12 जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट इस तरफ आ जाता है थैरिया से आप हाँ बिल्कुल आप यहाँ से जाते हैं ना थैरिया एंट्रेंस थैरिया से आप लेफ्ट होते हैं हार्डली 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस रेट है जो आपका इंटरनेशनल यहाँ से आप एंटर हुए इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है पांडा रिजर्व ठीक है यहाँ पर मुख्य किस्म के एंगल्स वगैरह हम लेके आ रहे हैं ठीक है सेकंड वन हमारे पास है पांडा डिस्ट्रिक्ट इसका कॉन्सेप्ट इसमें मॉल है बहुत बड़ा 400 वेयर हाउसेस है रेस्टोरेंट एरिया चाइनीज इसको चाइनीज लोग काम कर रहे हैं ठीक है उसके बाद आ जाते हैं एविएशन डिस्ट्रिक्ट में इसमें एक्सपो सेंटर स्पोर्ट्स और 5 रोडोज होंगे आपके ये क्रिस्टल लेक का एरिया है जिसमें हमारा हेड ऑफिस है ठीक है सिलिकॉन वैली हम इसके अंदर लेके आ रहे हैं और ये हमारे उसके बाद ये हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट है अभी हमने एग्रीमेंट साइन किया आलू खान हॉस्पिटल में एजुकेशन के हवाले से बात करें तो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का कैंपस बना रहे हैं अभी एक दो और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट्स होने हैं ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल डिफेंस के साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है ये बॉलीवुड हाइट्स हैं ठीक है इसके साथ ही फाइनेंशियल स्क्वायर का एरिया है जिसमें हाईएस्ट टावर्स हैं हमारे पास दो एक आईटी से रिलेटेड और एक सी पैक से रिलेटेड है इसी में हमारी ग्रैंड मॉस्क आ रही है 200 कनाल पे है और इसमें एशिया की तीसरी बड़ी मस्जिद हमारा आ रही है और इसमें तकरीबन कोई 24 से 25 थाउजेंड नमाज होती है बाकी सेक्टर मॉस्क हमारी जो है वो तकरीबन 35 to 40 हमने सेक्टर मॉस्क पूरे ओवर से ये हमारा गोल ये गोल्फ कोर्स ये 18 हॉल का गोल्फ कोर्स है इसमें रेजिडेंट विलास भी है ठीक है पीटर हेरिटेज कंपनी जो है इसको लोग
काफ़ी कह रही है, उसके साथ ही आप यहाँ से एंटर होते हैं। ये जो हमारी एक्सेस है इसको हमने स्ट्रेट कर दिया है, ये नेशनल गार्डन वाली जो ब्लू बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को लिंक कर रही है। ये मेन कमर्शियल ये वाला है, ये नॉट बिल्कुल हाई रेस्ट कमर्शियल जो है, ये अभी नॉट फॉर सेल है, ठीक है। अभी जो कमर्शियल आप सेल करें ये जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे कि ब्लू कमर्शियल, जैसे ये कमर्शियल है सारा 4-6-8 कमर्शियल यहाँ पे भी है, ये जो मस्जिद है इसके साथ सारे कमर्शियल है। हर सेक्टर में मोस्टली तकरीबन 4-8 कमर्शियल है, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 2 है, उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है। लास्ट में हमारे पास है स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट, ये इंटरनेशनल लेवल पे हम लेके आ रहे हैं, इसमें क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट अकेडमीज, इंडोर आउटडोर पार्क है इसमें। तो चक्री रोड पे हमारे पास 3 एक्सेस है अभी, ये जो आपको नजर आ रही है 3 एक्सेस अभी, 2 तो ये आपको कन्फर्म है, इसलिए का भी कन्फर्म नहीं है। जो ये इंटरचेंज आपको नजर आ रहा है ये रिंग रोड पे, रावलपिंडी रिंग रोड, यहाँ से हार्डली 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पे एक गाँव आता है बैराश्री, ये वहाँ से इसकी मार्किंग वगैरह होगी, 44 किलोमीटर का ट्रैक है। तो ये आपका जीटी रोड से लिंक कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ से डैम के ऊपर से जा रहा है, थूठलियाँ लिंक कर रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जी। और ये हाई रेज अपार्टमेंट्स है मोटरवे के साथ साथ, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये वाले। भी इस रोड पे हम लोग नहीं आए कभी, तो आज चले अल्तुतमिश में शहर में कराची से स्पेशल। अच्छा, तो ये वो रोड है जो नेशनल गार्डन से हम लेके आ रहे हैं। यार ये ब्यूटी चेक कर रहे हैं यार, कमाल जगह, खूबसूरत है ना ये। और ये पानी फसल भी, ये पानी ऐसे रहेगा, ये वही पानी है जो आपने देखा होगा डैम से जो जा रहा है ना, ये वो पानी है। और ये साफ है फसल भी? जी ये साफ है, ये आगे आगे ना आगे निकल जाता है और फिर आगे गाँव को ये चला जाता है, उनकी जमीनों को जाता है। अच्छा, ये तो ये डैम से पानी आ रहा है जी। इसको क्या इस सिल आई थिंक क्या इसको कहते हैं आप? इसको सिल कहते हैं, सिल। ये दरियाई सिल एक बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर, वो है। अच्छा, वो है। वो राजड़ में ये डैम से निकाली। अच्छा, ये एक और ब्रिज बन रहा है मेरे ख्याल से, ये ब्रिज, ये एक्सेस रोड है ओवर जो नया ब्रिज, एक और ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं जी, मैं जो आपको रास्ता बता रहा हूँ जी, वहाँ से आ रहा रास्ता है ये, वो ये कितनी जबरदस्त बात है। अभी हमने कोई 1.5 घंटे से हम ट्रैवल कर रहे हैं और कोई ऐसी जगह नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक भी जहाँ वो नहीं है, जहाँ मशीन नहीं लगी हुई, कोई जगह ऐसी नहीं है जिसको अटेंड नहीं किया जा रहा। मेरे ख्याल से हर जगह को ये लोग अटेंड कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी देखिए थोड़ा सा बताएं इस बारे में, ये हम आप खड़े हैं ये विलास के लिए, इन्होंने 7 मरला 5 मरला ये विलास के लिए ना ये जगह सजेस्ट की है, और ये सारी ना उसकी डेवलपमेंट काम हो रहा है विलास बनने के लिए, ये सारी कटिंग हो रही है। मैंने आपको बताया था ना, हम जिस जगह हम प्लॉट बना रहे हैं वो कटिंग है सारी, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी कटिंग हो रही है, ये सारी फिलिंग किसी जगह पर भी। अच्छा, मैं एक बात ही करना चाह रहा था कि मुझे पर्सनली एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, आप ये देखिए, इस दरिया के हवाले से, पानी के हवाले से, इन ड्यून्स के हवाले से, मुझे ये जगह ज़्यादा बेहतर लगती है। आप किस बारे में क्या राय है? ये जगह नेचुरल जगह है, वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ से ना आपको दोनों एक्सेस, आपको चक्री रोड भी, आपको मोटरवे भी, दोनों आपको नज़दीक हो जाते हैं यहाँ से मोटर, यहाँ से चक्री रोड 3-3.5 किलोमीटर है, यहाँ से मोटरवे 5-6 किलोमीटर है खड़े। अच्छा, ये जो सामने कटिंग नज़र आ रही है, ये नया ब्रिज बन रहा है, ये नेशनल गार्डन जो पुरानी सोसाइटी से कहते हुआ करती थी, और वो जो भी अपडेट ने एक्वायर किया, ये न्यू एक्सेस, ये अनदर ब्रिज, ये अनदर ब्रिज, ये ना हम चक्री रोड से ना एक्सेस दे रहे हैं। अच्छा भाई, नई एक्सेस, और होपफुली ये वाली थ्रू आउट आगे चला जाएगा मोटरवे हमारी। ये एक तो आपने वो पहली देखी है स्टार्टिंग में, ये दूसरी है, इससे आगे तीसरी है, जहाँ से अभी हम आए हैं वो तीसरी एक्सेस है, ये 3 एक्सेस है हमारी चक्री रोड से। मैं ये फैसल भी थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, अब आप हमारा देखिए, ये कंस्ट्रक्शन का लेवल चेक करें आप देख रहे हैं, ये बहुत नॉर्मली हमने देखा है कि ईट्स वगैरह यूज़ होती हैं, और यहाँ पे लाल पत्थर टाइप जो अपना विलाज है ना, उसमें हम ईट नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये हम ये कंक्रीट की बना रहे हैं हम, इसका हमने प्लांट अपना बनाया है, ठीक है, अच्छी बात है, ये मजबूत भी है, मतलब ईट तो फेंकने में टूट जाती है। आप इसका वेट चेक करें, इसका वेट चेक करें, इससे ये होता है कि आपकी ना सेम नहीं आती,
आपकी सेम भी नहीं आएगी, जब सेम नहीं आएगी तो आपका भी कभी भी घर खराब नहीं होगा और इसकी खूबसूरती भी होती है। ये मॉडर्न विलास बन रहे हैं, ये क्या साइज है इनके? ये एक और एक कनाल है आई थिंक। यहाँ पे विलास बन रहे हैं, वो बीच में विलास बन रहे हैं, वो जो ऊपर कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है सर, वो जो पीछे कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, वो जो सर वो स्कूल की बिल्डिंग, वो ऑफिस वहाँ पे भी है। अच्छा, ये बिल्कुल ऑफिस के साथ जो है, ये मस्जिद के साथ अभी आप लोग कर रहे हैं। ये जो रोड है, ये भी ओवरसीज ब्लॉक है, हमारे इस साइड पे राइट साइड पे हमारा बॉर्डर वे है, आपको एग्जैक्टली अगर मैं आपको मोटर वे से चक्की रोड पर लेके जाऊँ ना, हमके अंदर सीधा सीधा 18 तो बड़ी फिनिशिंग है इसकी। ये नीचे मेरा ख्याल 18 इंच है, फिर ऊपर आके ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन का लेवल चेक करें, बहुत क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है, सारी चीज़ों के ऊपर बड़ा बारीकी से काम कर रहे हैं सर। ये हम लोग, ये पहले तो हम लोग उस एरिया में गए जो अंडर डेवलप या डेवलप हो रहा था अभी, या बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज, बिल्कुल पीछे के एरियाज जो थे, ठीक है। अब हम मेन रूट्स पे आ रहे हैं, अब हम उस जगह आगे हैं जो हम पोजीशन देने की हम पोजीशन में हैं। काफी सारी रोड्स हैं अभी, कुछ पीछे भी हैं, मतलब ये सामने बताइएगा, ये जो विलास बन रहे हैं, ये विलास बन रहे हैं, मॉडल विलास हैं जी, ये मॉडल विलास बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो बहुत अच्छी लग रही है, ये विलास बन रहे हैं। अच्छा, मैं ना एक साल पहले जब यहाँ पे आता था ना, लोग मेरे पे हंसते होते थे जब मैं उनको बताता था कि ये एरिया है हमारे पास और ये हमने यहाँ पे काम करना है, और आज आप देख लें कि एक साल में हमारी पोजीशन क्या है। बहुत लोग इसलिए हंसते थे कि लोगों ने कभी डेवलपमेंट इस तरह स्पीड से देखी नहीं ना, उनको यकीन था कि पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई डेवलपमेंट हो जाएगी। जी, जो आप पे हंसता था, आज वो आपके साथ अगर आता है तो वो शर्मिंदा होगा अपनी बातों पे। अल्तमश, आपने तो हमारा वो प्रोजेक्ट देखा है मुल्तान वाला ट्रेड का, तो जब हम उस प्रोजेक्ट को मार्केट करना स्टार्ट हुए तो लोगों ने कहा यार ये 10 साल में कभी बनेगा नहीं, और वो 2 साल में डिलीवर हो गया लोगों को, अब लोग वहाँ रह रहे हैं, तो ये बहुत ऐसी चीज है जो हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। और देखें, उस वक्त आपके लिए भी एक टफ टाइम था, जैसे ही पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट से आपने फाइट करनी थी, हर बंदा बोलता था नहीं आप बैरिया नहीं हो, लोगों को नहीं पता था कि बैरिया भी बना के इसी कंपनी ने दिया, ऐसे ही ठीक है। अब इन्होंने अपनी डेवलपमेंट दिखाई कि एक मुल्तान वाला प्रोजेक्ट रेडी करके, फिर साहिवाल, फिर सरगोधा, और फिर अब यहाँ कैपिटल स्मार्ट सिटी, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने जाना। और सबसे मजे की बात यह है कि आपने जो नाम रखा है उस पर आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, कि हर चीज़ आप स्मार्ट दे रहे हैं, जिस तरह आपने मुझे सारी चीज़ें बताई। अदील भाई, ये आप मस्जिद जरा दिखाएंगे थोड़ा सा? जी बिल्कुल, ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये जो मस्जिद है, ये हम लोग 2 जुमे इससे पहले, हम यहाँ पहला जुमा हमने पढ़ा, और ये मस्जिद जो है ना, हमारे यहाँ जाहिद साहब जो प्रोजेक्ट के ओनर हैं, ये इनकी एक अच्छी बात यह है कि जब भी किसी जगह प्रोजेक्ट करते हैं तो सबसे पहले मस्जिद बनाते हैं, और इनका ये इनकी अपनी एक वो भी है, सोच भी है इनकी, और वो मुल्तान में प्रोजेक्ट बनाया, 29 कनाल में मॉस्क बनाई है, उस पंजाब साइड की सबसे बड़ी मॉस्क है वो, तो यहाँ पे भी सबसे पहले ये लोग
इन्होंने ये काम किया। आप यहाँ पे टोटल एक सराउंडिंग के अंदर कितनी मस्जिद, और ये ब्लॉक वाली मस्जिद है, ये इस ब्लॉक में हर ब्लॉक में मस्जिद। हाँ ये हाँ बिल्कुल, ये मतलब ये कोई इस तरह की मतलब ग्रैंड मॉस्क नहीं है, ग्रैंड मॉस्क नहीं है।